भी है, तो लगता है कहीं ना कहीं माहौल बदलने वाला है क्या? माहौल बदलने कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक बहुत जोरदार तरीके से भाजपा फिर शासन बनाएगी और सरकार चलाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन तैयारी कर रही है पूरी पूरी तरीके से तैयार है। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा है उसमें कोई एक रूपता तो है ही नहीं है, कौन सा गठबंधन के कौन सा टक्कर देगी। आए दिन आप देख रहे हैं, आए दिन उनकी बैठकें हो रही, बैठकों में ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उससे जनमानस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और उस गठबंधन को कोई मानने को तैयार नहीं, उस पार्टी वाले ही, इंडिया गठबंधन वाले ही नहीं मान पा रहे हैं, एक रूपता बन ही नहीं पा रही। गठबंधन तो ठीक है, कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि जो राम मंदिर का क्रेडिट है वो भाजपा अपने खाते में लेना चाहती है और लोकसभा इलेक्शन में उसी का मुद्दा है और हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के सरकार चलती रही। देखिए ये ऐसा प्रश्न है ना कि आप जैसे भी चाहेंगे उसको जिस तरीके से, ये अपने हिसाब से हर आदमी बुझाना, चूँकि उनके हाथ से छूट चुका है और भाजपा ने तो शुरू से ही उसको अपने हाथ में लिया था। अगर वो पॉलिटिकल लाभ ले रही है उसको तो बट नेचुरल मिलेगा, ना भी लाभ लेगी तो भी उसका लाभ उसको मिलेगा। एक तरह से वो तो शुरुआत से उसके खिलाफ संघर्ष करती रही, बराबर कहती रही, और ये तो बराबर विरोध करते रहे कांग्रेस वाले, किसी भी कीमत पे हम वहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे। जितना प्रयास कर सके, कितने वकील लगाए, कितने विरोध किए और सारी स्थितियाँ जनता के सामने हैं। कभी एक रुपये का बतासा चढ़ाने गए हैं कांग्रेस का कोई नेता बता दे जो राम मंदिर के लिए गया हो, और हिंदुओं के ऊपर कितना कुठाराघात किया है आप समझे? हिंदुओं के लिए कोई विद्यालय है? सनातन का कोई विद्यालय कहीं है? पूरे देश में नहीं है। यह कांग्रेस की ही तो देन है, अन्य संप्रदाय अपने विद्यालय खोल सकते हैं और ये हिंदुओं का देश होते हुए भी हिंदुओं का कोई गुरुकुल नहीं चल रहा है, इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मिनट, और भी लोग हैं सर, बात करते हैं। किस तरीके से क्या लगता है 2024 में क्या माहौल है? जिस तरीके से अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि पूरा क्रेडिट ले लिया, कोई कह रहा है कि न्योता आएगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे, 2024 का क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है लोकसभा इलेक्शन को देखते हैं? 2024 में तो ये जो दिख रहा है कि यूपी में हमें तो नहीं लग रहा कि इंडी गठबंधन का कोई चांस बनेगा। और ये मंदिर वाला क्रेडिट जो कह रहे हैं लेने के लिए, तो क्रेडिट तो जनता जान ही रही किसने क्या किया है। क्रेडिट कोई लेने से किसी को थोड़ा जनता दे देगी, जनता जान रही किसने क्या किया मंदिर के लिए। तो वो मंदिर वाला क्रेडिट तो बीजेपी को जाने जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 24 वाला जो लोकसभा चुनाव है, यूपी में फिलहाल इंडी गठबंधन का कोई चांस नहीं है। योगी फैक्टर का कुछ असर दिखेगा क्या? नहीं, योगी फैक्टर का असर दिखेगा ही, जो शासन व्यवस्था, जो सुशासन उन्होंने स्थापित किया, जो बड़े बड़े माफिया थे, वो जो हर जिले में एक माफिया रहता था, अब ये खत्म हो गया। कोई भी जिला देखिए, किसी जिले में अब कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा गैंगस्टर अब मतलब चल रहा हो सीना तान के, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी ये छिटपुट अपराध तो, ये भी कहा जाता है जो विपक्ष लगातार जिस बात को आज भी प्रदर्शन किया विपक्षी दलों ने यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर, उनका ये कहना है कि जो पार्टी है वो अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, जबकि हाल ही में गैंगरेप हुआ जो संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, वो आरोपी बहुत समय के बाद गिरफ्तार किए गए, 60 दिन तक खुला घूमते रहे, और कोई होता तो बुलडोजर चल गया होता उसके। हाँ, कुछ ना कुछ तो है, अब इस पर क्या कहा जाए कि वैसे चाहिए तो यही कि निष्पक्ष रूप से पुलिस प्रशासन काम करे, जनता के साथ न्याय करे, और जो लोग क्राइम करें वो खुले में ना घूमें, ये तो सही है खुले में। भैया एक मिनट, हाँ इधर आ जाइए, क्या लगता है 2024 में क्या माहौल है? योगी फैक्टर भारी पड़ेगा? योगी फैक्टर नहीं भारी पड़ेगा, बाकी मोदी फैक्टर जरूर भारी पड़ेगा। मोदी फैक्टर इसलिए भारी पड़ेगा, मोदी एक ब्रांड है, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ था और मोदी से ही योगी मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी चीज़ रह गई जहाँ तक गठबंधन की बात, तो गठबंधन ने इसको आप ठगबंधन मान के चलिए। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कैंडिडेट बनाया था, प्रधानमंत्री तो चेहरा पहले क्लियर कर दिया था, और इस इंडिया गठबंधन का बारात का दुल्हा है ही नहीं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस गठबंधन में नासिरुद्दीन ओवैसी हैं, न बदरुद्दीन अजमल हैं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वो मुसलमानों की ही बदौलत से मजबूत है। मेरठ से या मुरादाबाद से असरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का अपनी पार्टी से, तो इससे साबित हो रहा है कि जहाँ पर हकदारी और हिस्सेदारी मुसलमानों की है वहाँ पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये कह रही कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम दलाल है। मायावती जी भी 3 बार सरकार बीजेपी से चला चुकी, अखिलेश यादव जी खुद अपना को CBI से बच रहे हैं, अब नहीं कहते हैं, आजम खां को शेर की सवारी से
जमीन की सवारी पर माननीय अखिलेश यादव जी ने बैठार दिया है। अब इस तरीके के जो हवा हालात हो रहे हैं, ये मुसलमान समाजवादी के साथ नहीं है, मुसलमान अपना खुद ही निर्णय लेगा कि हमको कहाँ जाना है। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। 2024 में क्या माहौल लग रहा है, जो फैक्टर योगी फैक्टर काम करेगा, कहीं ना कहीं असर दिखाएगा, क्योंकि विपक्षी दल तो हावी है। विपक्षी दल का कहना है कि मंदिर का क्रेडिट अपने खाते में ले लिया, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्या गैस की रसोई मुद्दा नहीं है? बताओ, देखिए एक चीज़ बता दें आपको, आप चले जाइए जो सामान्य जिंदगी जीने जो जी ले रहे हैं लोग, उनसे जाकर पूछिए, वो बता रहे हैं। आज उनके सामने जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इस मुद्दे पर ज़्यादा फोकस है। और मुझे उम्मीद है कि 60% से ज़्यादा लोग इस बात को मान रहे हैं कि हमारे सामने बेरोजगारी है, हमारे सामने महंगाई है, इस मुद्दे पर चुनाव होने हैं, कहीं राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा। बहुत होगा तो 30 से 40% लोग पसंद करेंगे मुद्दे को। ये जो राम मंदिर का मुद्दा आप चला रहे हैं, इस मुद्दे पर 30 से 40% लोग पसंद करने वाले हैं, बाकी शेष मुद्दा वही पुराना होगा। बेरोजगारी का जबरदस्त मुद्दा आ रहा है इसमें। आज भी कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, चूंकि संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, गैंगरेप के जो आरोपी थे वो 60 दिन तक खुला घूमते रहे, बाद में पता चला आईटी सेल के लोग थे बीजेपी के, इस तरीके को लेकर के भी आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, इस प्रकार का जो ये कांग्रेस या किसी भी दल को इस मुद्दों पर विरोध करना चाहिए। ये जो आईटी सेल वहाँ बीएचयू की बात आप कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे, कुछ किस तरीके का माहौल है, क्या है लोगों के मन में, क्या लोग जानना चाहते हैं, लोगों से बात करेंगे। चतुर्वेदी जी भी हैं, शीर्ष नेता हैं पार्टी के, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 का, क्या माहौल लग रहा है? 2024 में बदलाव होगा और बदलाव होना जरूरी भी है, इसलिए कि बदलाव अगर नहीं होता है तो जनता जैसे आज त्रस्त है और ज़्यादा त्रस्त हो जाएगी। विपक्षी दल साफ तौर पर कह रहा है, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, गैस रसोई मुद्दा नहीं है, क्या बीजेपी के जो संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, उसके बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वालों को पकड़ना मुद्दा नहीं है, इन सभी मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? कारण ये है कि ये मुद्दा सब लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना, तो मुद्दा कुछ ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, ये बहुत बेहतर नहीं है। शिक्षा नीति पर हम बात करेंगे, स्वास्थ्य नीति पर बात करेंगे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की आम जन सरकार इस समय है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, और ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, क्योंकि इनका एक ही नारा है कि मैं करूँ तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए इनको नेस्ता नाबूद करने के लिए, इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमें बस एक होने की ज़रूरत है और जनता के बीच में जा करके उनको जागरूक करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है आप? देखिए, गठबंधन चूंकि बड़े दलों का है और उस दल से अभी हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों में तो अंतर है। एनडीए का मतलब है नेस्ता नाबूद कर रहे हैं और इंडिया का मतलब है सबको साबूत कर रहे हैं, इसलिए इंडिया ठीक रहेगा। और भी लोग हैं इत्तेफाक से, आप कांग्रेस के भी लीडर रहे हैं, कैसे देखते हैं? जाहिर है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन आम तौर पर इलेक्शन के मुद्दों पर अगर हम बात करें तो क्या लगता है योगी फैक्टर भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में? अब योगी साहब के पास क्या फैक्टर है, ये उनका 7-7.5 साल का कार्यकाल हो गया। अब हमको नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फैक्टर का इन्होंने निर्माण किया हो जिस फैक्टर पर हम और आप एक इशू पर डिस्कशन करने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही फैक्टर है जो सरकार, सरकार का सारा सिस्टम, सरकार का अमली जामा, सरकार की पॉलिसी, सरकार के सब कुछ एक योजना पर काम कर रही है। वो 10 साल से योजना 9 साल से 9.5 साल से चल रही थी। उस योजना को प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को जाकर के पूरा करने वाले हैं। अब रह गया सवाल कि अब एक ही जब उनके पास मुद्दा है तो अब सवाल है कि यहाँ लोहा की बात कौन करेगा, यहाँ स्टील की बात कौन करेगा, यहाँ शिक्षा की बात कौन करेगा, यहाँ रेल की बात कौन करेगा, यहाँ सेना की बात कौन करेगा, यहां
जूट मिल और तमाम बिजली पावर हाउस की बात कौन करेगा। अब एक ही बात होगी, राम और राम पैदा होने पर नहीं लिया जाता है नाम, लेकिन राम का नाम मरने के बाद जरूर लिया जाता है। राम नाम सत्य है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा संदर्भित प्रकरण जो योजनाएं चल रही है, ये देश के अंदर अब कोई आवश्यकता नहीं बची है। देश की 80 करोड़ जनता 3 किलो गेहूं या 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ी है, उपलब्धि है। इसके बाद भी हम कहते हैं विश्व गुरु होने जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी नहीं बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में। राम के नाम का आपने प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी जो एक लंबे समय तक कांग्रेस का साथ देती रही, उन्होंने भी अपने कार्यालय के बाहर लगा दिया है राम आएंगे। बिल्कुल, राम का नाम उन्होंने किया है, जिक्र किया है राम को। राम सवाल पूछ रहा है और राम ही जवाब दे रहा है। ये राम है। राम वो नहीं है जिस राम को हम दिखाते हैं, जिस राम का ब्रांडिंग करते हैं, जिस राम पर वोट लेते हैं, जिस राम पर प्रधानमंत्री होते हैं, जिस राम पर मुख्यमंत्री होते हैं, वो राम नहीं है। राम देश की आवाज है, राम कायनात की आवाज है, राम देश का पीड़ा है, राम देश का डेवलपमेंट है, राम राम ही सब कुछ है साहब। राम को हटा दीजिए तो इस सृष्टि के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो राम को ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि राम को हमने लाया है। आप या भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो, राम को हमारी औकात है लाने का? राम ने हमको लाया है ये कहने में शर्म लगती है। राम ने हमको लाया है, राम को हमारी अगर औकात होती तो राम फिर हम ही हो जाते। लगातार जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका यह भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मंदिर का क्रेडिट अपने खाते में लेना चाह रही है। अभी यहाँ से हटेंगे फिर ज्ञानव्यापी पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेना भी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। अभी तक के 70 साल 60 साल तक के तुमने राज किया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो यूपी में, चाहे वो समाजवादी रही हो, सारी सरकारें रही हैं, तो आप भी उसका वो क्रेडिट ले सकते थे ना। आज क्यों आपको दिल में दुख रहा है? आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाना उस समय जायज था, जरूरी था। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि कार सेवक मरेंगे नहीं, जब हिंदू मरेगा नहीं, जब तक के सनातन मरेगा नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक उनको दिल में सुकून नहीं होगा। आज वो कार्ड की बात कर रहे हैं, हमको न्योता नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है, जो है आज वो बात कर रहे हैं उस चीज की जो है। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें योगी फैक्टर पूरी तरीके से काम करेगा। देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की 405 सीटें आनी है। ये राजीव गांधी इससे पहले सन 87-86 में जब इंदिरा जी मरी थी, 86 में मरी थी शायद इंदिरा जी, हमें लग रहा है, मतलब जहाँ तक हमको याद नहीं है, तारीख नहीं याद आ रही, लेकिन सन 86 में मरी थी शायद, हमें लग रहा है इंदिरा जी। उसके बाद 87 में शायद चुनाव हुआ था, तब 2001 401 या 2 सीट पाए थे राहुल गांधी। और टूट जाएगा वो रिकॉर्ड, उसको तोड़ना है, माननीय मोदी जी की सरकार है। चलिए, तो आम लोगों की सबकी अपनी अपनी राय है, किसी का कहना है कि मंदिर का क्रेडिट सरकार ले रही है, तो कोई कह रहा है 2024 में योगी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा और इंडिया गठबंधन फिर से उसी तरीके से रह जाएगा जैसे कि उसे ठगबंधन के नाम से लोग जानने लगे हैं। 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी कार्यक्रम के साथ हमने आपको लोगों की राय दिखाई। फिर मुलाकात होगी किसी और स्थान पर किसी नए विषय के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।